तो यस गाइस, जैसे कि आप जानते ही हैं कि पिछले 10 साल से मैं लेबल्स के साथ काम करता आ रहा हूं, और इसकी वजह से मैं काफ़ी सारे आर्टिस्टों से मिलता हूं, काफ़ी बडिंग आर्टिस्ट से, काफ़ी एस्टेब्लिश आर्टिस्ट और काफ़ी सुपरस्टार आर्टिस्ट साथ मिलता आ रहा हूं, उनके साथ काम करता आ रहा हूं, उनके प्रोजेक्ट समझता आ रहा हूं और उनके बारे में काफ़ी चीज़ें मैं जानता हूं। अब प्रॉब्लम कहाँ होती है कि काफ़ी टाइम से मेरे पास ऐसे आर्टिस्ट आ रहे हैं जो ये कहते हैं कि हम म्यूज़िक के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, म्यूज़िक हमारा करियर है, फर्स्ट प्रायरिटी है, बट कहीं ना कहीं हम ब्रोक है, हमारा फिनेंशियली जो हमारी स्टेटस है वो उतना सॉर्टेड नहीं है, हमारे पास सेविंग्स नहीं है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, और हमने काफ़ी चीज़ें जो म्यूज़िक से हमने पैसे कमाए भी है वो हमने काफ़ी ज़्यादा वेस्ट कर लिए है, और आज हम इस कंडीशन पे है कि आप हमें ब्रोक भी कह सकते हैं। तो यस गाइस, आज के इस वीडियो में आपको देने वाला कुछ सिंपल टिप्स जो कि आपको एज एन आर्टिस्ट काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है, ताकि कभी भी आपको ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े जो बाकी आर्टिस्टों को फेस करनी पड़ रही है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है किसी भी आर्टिस्ट की वो होती है फाइनेंशियली ब्रोक होना। तो यस गाइस, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इससे बॉय सुल्तान, यू आर वॉचिंग नो हिप हॉप, सो लेट्स स्टार्ट रोलिंग विद दिस वन। गाइज, मैंने बहुत बार देखा कि जब भी मैं आर्टिस्टों के साथ काम करता हूँ, उनको मैं डील्स देता हूँ, तो उनको काफ़ी उसमें से पैसे बचते हैं, और जब वो पैसे बचते हैं, जो उनकी इनकम होती है, वो उसको सही जगह पे यूज़ नहीं करते हैं और वो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स करते हैं। यस गाइज, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स, जैसे कि मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट देखे हैं जिनके साथ मैं डील करता हूँ, जैसे ही उनको लेबल की तरफ से पेमेंट आती है वो ब्लिंग्स ले लेते हैं, वो ज्वेलरी ले लेते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ज्वेलरी ले लेते हैं, चेन्स ले लेते हैं, रिंग्स ले लेते हैं, कैप्स ले लेते हैं, महंगी महंगी क्लोथिंग ले लेते हैं, एयर जॉर्डन स्नीकर्स, इन सारी चीज़ों में वो अपने जितनी भी उनकी इनकम होती है वो कहीं ना कहीं वो स्पेंड करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, बट यस, कहीं ना कहीं आपको बहुत लिमिटेड अपनी अमाउंट जो आपने इनकम जनरेट की है उसका एक बहुत ही लिमिटेड और बहुत ही स्पेसिफिक अमाउंट आपको इन सारी चीज़ों के ऊपर इन्वेस्ट करना है। इनफैक्ट आपको सेविंग्स करनी बहुत ज़रूरी है, और अगर आपको इन्वेस्ट करना भी है तो प्लीज़ अपने गियर्स पे कीजिए, वो गियर्स जो शायद आपको कल को आपको आपकी क्रिएटिव प्रोसेस को और एनहेंस करने वाले हैं, आपके प्रोडक्ट को और ज़्यादा पॉलिश करने वाले हैं, और ओवरऑल आपका जो प्रोडक्ट का जो लेवल है उसको और ज़्यादा इंप्रूव करने वाले हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस, हर रोज़, जैसे कि आप जानते हैं कि स्पॉटिफाई पे 100K 1 लाख सॉन्ग हर रोज़ रिलीज़ हो रहे हैं, तो आपका सॉन्ग, आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फैन बेस नहीं है तो उसको सही ऑडियंस तक लेकर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यस गाइस, इस टाइम में आपको हेल्प करती है आपकी एक्सेलेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। जो भी आप इनकम जनरेट कर रहे हो उसमें से काफ़ी बड़ा पोर्शन आप यूज़ कीजिए अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ के ऊपर। आपको चाहे अपने सॉन्ग, EP या फिर एल्बम को प्रमोट करना हो, या फिर आपको अपनी खुद की ब्रांड इमेज बनानी हो, क्रिएट करनी हो, अपने फोटोशूट्स करवाने हो, आपको अपने एड्स लगाने हो, अपने स्पॉटिफाई के एड्स लगाने हो, आपको इंस्टाग्राम एड्स लगाने हो, आपको यूट्यूब कैंपेन्स करने हो, या आपको इंस्टाग्राम कैंपेन्स करने हो, इन्फ्लुएंसर्स कैंपेन्स करने हो, या फिर आपको DJs के साथ या प्लेलिस्टिंग कैंपेन्स करने हो, ये सारी चीज़ें ही अगर आपको करनी है तो कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है, बजाय इसके कि आप एडिशनल 2-3 पेयर जॉर्डन्स के खरीदे, उससे बेटर है कि आप 1 पेयर जॉर्डन का खरीदिए और बाकी सारी जितनी भी चीज़ें ये आपको मैंने अभी बताई, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, उसके ऊपर अपना पैसा लगाइए, जो कि आपको वापस रिटर्न देने वाला है, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और लास्ट पॉइंट गाइस, मैं आपको सिर्फ यहाँ पर इतना देने वाला हूँ कि मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम के ऊपर काम कीजिए। मैं आपको बहुत बार पहले से बोलता रहा हूँ, आप एज एन आर्टिस्ट सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम जो कि आपका म्यूज़िक है उसके ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं रहने वाले हैं। अगर आप एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर है तो बाकी आर्टिस्ट के साथ कोलैब कीजिए, उनको सेल आउट कीजिए अपनी बीट्स, और आप बाकी लोगों की मिक्सिंग मास्टरिंग भी कर सकते हैं। अगर आप वोकलिस्ट हैं तो आप अपने वोकल्स को लैंड कर सकते हैं। अगर आप एक स्टूडियो रन कर रहे हैं तो आप स्टूडियो के अलावा भी बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आप इजीली कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, आप मिक्सिंग मास्टरिंग कर सकते हैं, आपके पास ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटीज़, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो अपने डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। करंटली मेरे पास इस टाइम 6 से 7 रेवेन्यू सोर्सेज है जहाँ से मैं इनकम जनरेट करता हूँ, जिसमें कि सबसे पहले मेरी सैलरी है, इसके अलावा मेरा यूट्यूब चैनल है, इसके अलावा मेरा अमेजन एफिलिएट है, इसके अलावा डिस्ट्रोकिट के थ्रू जो मेरे को पैसे आते हैं, ट्यूनकोर के थ्रू जो मेरे को मेरे म्यूज़िक को सेलेक्ट करके पैसे आते हैं वो है, इसके अलावा बहुत सारी ऐसे कंसल्टेंसीज है जहाँ पर मैं काम करता हूँ, जिसकी वजह से मेरे 6 से 7 सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट मैंने कर रखे हैं, जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल फ्रीडम दोनों ही मेरे पास है, और मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी ब्रोक वाली सिचुएशन में जाने वाला हूँ। आई एम श्योर कि ये सारे टिप्स आपको हेल्प करेंगे एज ए बडिंग आर्टिस्ट, एज एन एस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट, और आप अपनी इन्वेस्टमेंट, आप जो रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं, जो आप मेहनत कर रहे हैं और उससे जो आप पैसे कमा रहे हो, कहीं ना कहीं आप सही तरीके से इन्वेस्ट कर सके, सेव कर सके। किसी एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि उसको से बेनिफिट हो सके। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे एपिसोड। इट्स अ वॉइस सुल्तान साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। पीस।